ये स्टार्टिंग की बोल रही हूँ सुना हो उस ब्रांड के बारे में, और मे भी हो सकता है नहीं सुना हो क्योंकि वो न्यू ब्रांड है और ब्रांड का नाम है न्यूमी एशिया। तो मैंने न्यूमी से 4 आउटफिट्स ऑर्डर किए थे, तो मैं आपको उसी के बारे में रिव्यू देती हूँ कि कैसे वो आउटफिट्स हैं, क्या उनका फिट है, क्या क्वालिटी है। तो मैं सारा आपको रिव्यू करके बताती हूँ कि क्या है, आप उसको बाय कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और वो प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ शेयर भी करना चाहती हूँ, जो मैंने 4 आउटफिट ऑर्डर करे हैं ना, वो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को चीप रेट पे पड़े हैं। वो इवन आप सरोजिनी से कंपेयर करोगे ना, तो आई थिंक मेरे को वो उससे भी सस्ते ही पड़े हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आफ्टर, जब आप वीडियो देख लो पूरी, कि वो सच में सरोजिनी से चीप है या फिर ठीक है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी 4 ड्रेसेस हैं जो मैंने ऑर्डर करी थी, और ये मैं पहले ट्राई भी कर चुकी हूँ। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो उन्होंने मुझे देखा होगा ये सारी ड्रेसेस में, और जिन्होंने नहीं किया है मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो, तो कोई बात नहीं, पहले आप मेरी वीडियो देख लो उसके बाद कर लेना। तो हमारी जो फर्स्ट ड्रेस है ये ब्लू डेनिम ड्रेस है, ऑफ शोल्डर ब्लू डेनिम ड्रेस। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है, दोनों ही सेम है, मतलब थोड़ा सा ही डिटेलिंग में डिफरेंस है। और स्लीव्स इसकी यहाँ पर इन्होंने कुछ इस टाइप की डिटेलिंग दी हुई है, इलास्टिक दिया हुआ है इन्होंने स्लीव्स पे। तो मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर, और आप इसे देख सकते हो कि ये रियल में कैसी लग रही है। पिक्चर भी मैं अभी इसे मेंशन कर दूँगी ऊपर कि पिक्चर में कैसी लग रही है और आई कैसी है ये। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये ड्रेस ना जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था इस पे रील, तो मेरे को इतनी कमेंट आई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था इसको। तो मैंने सोचा चलो मैं हॉल में बना रही हूँ, सबसे पहले मैं इसी को ही ट्राई करके आप सबको दिखाती हूँ। तो ये इसका लुक है, देखो आप मतलब बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये भी मैंने एक्सेस साइज में ऑर्डर करा है। क्वालिटी इतनी प्यारी है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा मुझे तो बहुत पसंद आई थी उनकी ये ड्रेस। ड्रेस के फ्रंट पे इन्होंने ये आगे कर्व थोड़ा सा दिया हुआ है ड्रेस पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, और बैक पे इसके बिल्कुल स्ट्रेट है ये, एंड साइड में इन्होंने यहाँ पे जिप दी हुई है। अब हमारा जो सेकेंड आउटफिट है वो ये ब्लैक प्ले सूट है। बिल्कुल इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, इसमें कलर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो आप कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, बट मैंने ब्लैक ऑर्डर किया है। और इसमें जो इन्होंने डिटेल दिया हुआ है फ्रंट में, कटआउट दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके साथ इन्होंने एक नॉट दिया हुआ है सो दैट कि थोड़ा सा डिटेल शो हो। एंड नीचे शॉर्ट्स हैं, ऊपर एक जो नेक की डिटेलिंग है ऑफ शोल्डर है, एंड वन साइड स्लीव्स पे वन स्लीव्स है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि इसकी फिट कैसा आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हो कि रियल में कैसा लग रहा है और इमेज में कैसा लग रहा है। ये है इसका फाइनल लुक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने ट्राई कर चुकी हूँ ड्रेसेस को, तो फिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की ड्रेसेस मुझे फिट में तो बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जो हमारी अब थर्ड ड्रेस है वो है कॉर्सेट ड्रेस। इसका उन्होंने जो ऊपर का जो लुक दिया हुआ है वो कॉर्सेट लुक दिया हुआ है फ्रंट से, इस टाइप का। तो ये हमारी ड्रेस है छोटी सी, बट मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये हमारी जो ड्रेस का नाम है कॉर्सेट ड्रेस है, और देखो इन्होंने इसे यहाँ पर लुक जो दिया हुआ है आगे, ये पूरा कॉर्सेट का ही लुक दिया हुआ है। और इसका जो पैटर्न है ड्रेस का, ट्यूब ड्रेस जिसे बोलते हैं या फिर ट्यूब पैटर्न होता है, उस टाइप का इन्होंने इसका लुक बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ कि ये मेरे को मतलब कैसे आ रही है फिट वाइज एंड ऑल, और आप भी देख सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर कर लेना। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इन केस अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो आप वहां से बाय कर सकते हो। गाइस लुक एट दिस ड्रेस, कितनी परफेक्ट लग रही है ना ये, और मतलब जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रही है, मुझे तो प्यार हो गया इस ड्रेस से। तो ये जो ड्रेस है मतलब यहाँ पर इन्होंने ट्यूब लुक दिया हुआ है इन्होंने ऊपर से, इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 4-5 कलर ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो मैंने थोड़ा
ऑरेंज कलर इसमें चूज किया क्योंकि मेरे पास ना मेरे वार्डरोब में एक भी ड्रेस मतलब कुछ इससे रिलेटेड तो नहीं है, टॉप भी नहीं है इवन, तो मेरे को लगा कि कुछ मैं न्यू ट्राई करूँ अपने ड्रेसिंग को लेकर। इस बार थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट चूज करी कि मैंने डेनिम ड्रेस भी ली, ऑरेंज कलर भी लिया और मतलब प्ले सूट का जो ऑप्शन था वो भी बहुत हटकर था तो वो जो चूज किया। नेक्स्ट जो मेरी अभी जो आउटफिट है वो कॉर्सेट है तो वो भी मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा, तो मैं आपको जो तो दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस की। अभी हमारा जो मैं आपको कॉर्सेट के बारे में बता रही हूँ कि वो कैसा है। हमारा लास्ट आउटफिट है इस हॉल का और जो जिसमें इन्होंने टू पीसेस हैं, एक स्कर्ट है एंड ऊपर टॉप है। फैब्रिक है जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ना मतलब मुझे बोल बताना नहीं आता फैब्रिक के बारे में, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ जो इसका फैब्रिक है ना थोड़ा बहुत एक तो सॉफ्ट भी है और कुछ इसके पैटर्न है मतलब ये जिगजैग जिगजैग सा है इसके ऊपर, तो पैटर्न है इसके पूरे आउटफिट के ऊपर, तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो दिस इज द लुक जो इसका मतलब कॉर्सेट है टॉप एंड स्कर्ट सेम ही इन्होंने पैटर्न यूज किया है, मतलब कोई कॉन्ट्रास्ट व कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न यूज किया है इन्होंने। ऊपर इन्होंने कॉलर लुक दिया है मतलब थोड़ा शर्ट लुक देने का ट्राई किया है और जो नीचे स्कर्ट है और जो कोई जिप वगैरह कुछ है नहीं, मतलब स्ट्रेचेबल है ये पूरा मटीरियल ही स्ट्रेचेबल है। इस ड्रेस का जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो मैंने एस साइज ऑर्डर किया था, तो मुझे ना लग ही रहा था ये पहले कि मुझे थोड़ी टाइट हो सकती है तो सेफर साइड में एस साइज ऑर्डर करूँ क्योंकि न्यू वेबसाइट है, मे बी रिटर्न की पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मतलब पहली बार भी थोड़ा ठीक आ जाए, तो मैंने ना सेफर साइड एस साइज ऑर्डर कर दिया था। स्ट्रेचेबल इसका मटीरियल है बट थोड़ा सा मुझे ये टाइट लग रहा है मुझे टॉप इसका, बट स्कर्ट तो इसकी मुझे परफेक्ट आई है बिल्कुल, मतलब कोई मुझे टाइट नहीं है स्कर्ट और मतलब जो मेरा साइज था एक्चुअल वही मेरे को लग रहा है इसमें, मतलब एक्सेस और एस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा इस मुझे। और प्राइस पड़ा था इस ड्रेस का समथिंग 420-440 के अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा फिगर था इसका, मैं एग्जैक्ट जो इसका प्राइस है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इसका चेक करके। ये सेम आउटफिट ना मैंने ना एक वेबसाइट पे चेक किया था लुलू एंड स्काई पे, तो वहाँ पे जो इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1400 के आसपास था, मुझे ऑर्डर भी करना था वहाँ से, बट उसी सेम टाइम मेरे को ना न्यूमी मतलब मुझे न्यू वेबसाइट दिख गई तो मैंने वहाँ से इसे ऑर्डर किया कि न्यूमी में ना कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको वो अभी बाद में बताऊंगी, उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखो फिर मैं एंड में बताती हूँ कि आप कैसे इसको कम प्राइस में ऑर्डर कर सकते हो और कैसे आपको इतनी चीप रेट में ड्रेस पड़ जाएगी न्यूमी से। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रही थी क्यों मुझे ये ड्रेसेस इतना चीप रेट पे पड़ी है, तो मैं आपके साथ से शेयर कर रही हूँ कि आप ये ट्राई कर सकते हो और मे बी आप मतलब अगर इस पे कुछ ऑफ चल रहा होगा तो आपको भी ये इतने ही रेट पे पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी न्यूमी का, अगर आपने अभी तक न्यूमी पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके उस लिंक से आप न्यूमी पे रजिस्टर करो, सो देट आपको 500 का ना इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा आपके अकाउंट में, जो मतलब आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा वो आपके वॉलेट में मिलेगा न्यूमी के। तो आप जब भी उसे ऑर्डर करोगे, आपने अगर आप न्यू यूजर हो आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपका जो वॉलेट का अमाउंट है ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट हो जाएगा जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्राई करते हो तो आपको भी इतनी सस्ती ड्रेसेस पड़ेगी जितनी मुझे पड़ी है, मैं तो खुद इतना शौक हूँ कि मुझे इतनी सस्ती ड्रेसेस पड़ गई है, मतलब मेरे को सरोजनी में भी ना इतना मतलब ठीक है सरोजनी में मिल जाता है सामान पर इस क्वालिटी में और जो बिल्कुल न्यू ट्रेंडी वेयर्स हैं वो हमें मतलब न्यूमी से मिल गया, मतलब तो फिर क्या ही चाहिए लड़कियों को। तो ठीक है आप भी चेकआउट करना, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा हॉल अब नेक्स्ट लेना है, मैं किस ब्रांड का हॉल शूट करूं और आपको रिव्यू करके बताऊं, या कौन सी कैटेगरी भी करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मतलब ड्रेसेस का करना है, टॉप का करना है, बॉटम वेयर करना है, मतलब कुछ भी आप अगर मुझे रिलेटेड टू दैट अगर आप मुझे बताओगे तो मैं वही फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं उसी का शूट करूं। तो गाइस आपको अगर ये हॉल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आगे अभी और भी वीडियोस अपलोड करूंगी रिलेटेड टू हॉल और चैलेंजेस, तो आप अगर कोई वीडियो मिस ना करो तो उससे पहले आप मेरे जो एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, सो देट आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी अगर मैं जैसे ही अपलोड करूंगी वैसे ही। तो उसी के साथ आप मेरा ये ध्यान से लाइक शेयर कमेंट करना
और मेरे को आप कमेंट में बताना कि आपको क्या भी हॉल आगे देखना है। तो उसी के साथ ओके बाय।